और ये यहाँ पे पुराना किला। पहले थोड़ी पेट पूजा, चल तो निकाल के अभी बैग में वो गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पे। हिमायू टॉम जा रहे हैं आज हम, और वेलकम टू माय चैनल रोड फ्रीक। और मैं ब्रिजेश और चंदन, वैसे हम जा रहे थे आज सेवन वंडर गार्डन जो कि सरायकाले खा पे है, लेकिन अभी जीपीएस पे जब एड्रेस डाला तो उसमें बताया कि वो बंद था, मंडे ऑफ रहता है। तो हमने अभी देखा जो अभी रिसेंटली खुला होगा, लेफ्ट चंदन लेफ्ट। तो अभी हम जा रहे हैं हिमायू टॉम, और ये यहाँ पे पुराना किला, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं देखने लायक। देखो हिमायू टॉम तो पहुंच चुके, लेकिन जहाँ से जो गोल चक्कर से एंट्री होती है उसी के साइड में, लेफ्ट साइड में ही पार्किंग है, क्योंकि हम पहले जो स्टार्टिंग में पार्किंग थी हिमायू टॉम के एंट्रेंस के पास ही थी, वहाँ से आगे तक गए थे। उनने बोला आगे गुरुद्वारे के पास है, गुरुद्वारे के पास जो आगे है वो उनका ली, जिसमें जो प्राइवेट कमर्शल्स गाड़ी हैं जिसमें ड्राइवर होंगे उन्हीं की पार्किंग लेंगे वो, फिर वापस हम बाकी गोल चक्कर पे आए। इतने में हमारा 10-15 मिनट खर्च हो चुके हैं, अभी 4:45 हो रहे हैं, देखते हैं अंदर जाके कितना टाइम बचा हिमायू टॉम को बंद होने में। सो फाइनली वी आर हियर एट हिमायू टॉम एंट्रेंस, ये यहाँ पे पीछे, और लेकिन उसके पहले थोड़ी पेट पूजा। सो आप इंडियन हैं तो टिकट चार्जेस होंगे आपके 40 रुपीज़, और आप फॉरनर्स हैं तो यहाँ पे टिकट चार्जेस होंगे 600 रुपीज़, और अगर कार्ड पेमेंट करते हैं तो 550 फॉरनर्स के लिए, 50 रुपीज़ का डिस्काउंट है। सो वी गॉट दिस टोकन, जमा करना पड़ जाएगा तो निकाल के अभी बैग में हाँ। सो ट्राईपॉड और माइक तो इन्होंने अलाउ नहीं करा अंदर, सो देखता हूँ आगे या तो मोबाइल से शूट करूँगा या फिर ऐसे ही कैमरे को लेंस से हाथ में पकड़ के। So I keep you on posted. और देखो एक सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे ग्रीनरी बहुत है ना, गर्मी में थक जाओ पेड़ के आगे नीचे भी भाग के किसी भी बैठ जाओ। तो ये है एक वर्ल्ड हेरिटेज, बाकी ये पीछे। सो एंट्रेंस में सबसे पहले तो राइट साइड में आपको पड़ेगा ये म्यूजियम एक, तो आपको थोड़ा म्यूजियम पे रुक देता हूँ, पहले खुद देख लेते हैं। सो ये सब जो था ईसा खान के खुदाई में जो एक्सकेवेशन में मिला था वो ये सब आइटम्स थे। अब ईसा खान मुझे पता नहीं, वो सब आप गूगल कर लेना। सो ये जो हिमायू टॉम भाई, बस आपको अंदर जाने से पहले इसका थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। मुगल एम्परर जो थे हिमायू, उनका टॉम भाई ये मकबरा है एक तरह से दिल्ली में, और इंडिया का पहला टॉम भाई जिसमें गार्डन था, मतलब जो बना था गार्डन, आपको सब दिखाऊंगा आगे भी। तो चलो आगे चलते हैं पहले। और ये स्टेयर्स में मस्त गाड़ी हो चुका है, तो वहाँ पीछे से हम आए थे, यहाँ स्टेयर्स से ऊपर आए, और बाकी ये है मेन जो हिमायू टॉम।
और सब लोगों का यहाँ फोटो सेशन चल रहा है पीछे, यहाँ भी देख लो पीछे आप। तो ये ईस्ट दिल्ली में निज़ामुद्दीन के पास है और निज़ामुद्दीन की जो दरगाह है उसके अपोजिट साइड में है। और ये पहला ऐसा टॉम्ब है इंडिया का जिसमें इतने बड़े स्केल पे रेड स्टोन्स का यूज़ हुआ है। और इस टॉम्ब के आसपास अलग अलग छोटे छोटे टॉम्ब्स बने हुए हैं, जैसे एक तो ये, और बाकी इधर से हम पीछे से जाएंगे इसका, पीछे से घूम के बाकी उस साइड भी हैं। आप यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ और गर्लफ्रेंड्स के साथ वहाँ से भी आ सकते हैं, जैसा कि पीछे यहाँ पे। जैसे साइड में एक टॉम्ब वहाँ था और ऐसे एक यहाँ पे है पीछे। भाई देखो, मेरे को थी इतनी नॉलेज, वो मैंने आपसे शेयर कर दी, बाकी इसका थोड़ा सिनेमेटिक शॉट्स आप एंजॉय करो और टाइम लैप्स। बाकी अभी यहाँ से हम बाहर निकलते हैं, टाइम चेक, इट्स 6:30। तो अब हम गए हैं बहुत सारा थक, तो अभी चलते हैं बाहर यहाँ से कुछ पेट पूजा करने, कुछ खाते पीते हैं, है ना, जूस मिल गया तो जूस पी लेंगे। अब बहुत से दिल्ली वाले हैं जिन्होंने देखा होगा बहुत, और बहुत से जिन्होंने नहीं देखा होगा, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, बाकी एंजॉय कर सकते हैं टाइम पास का। आज थोड़ा अच्छा लगा घूमने में क्योंकि मौसम अच्छा था, ऊपर देखो बादल और यहाँ पे फाउंटेन। और बाकी जैसे पहले बोला, जितनी मेरे को नॉलेज थी उतना मैंने आपसे शेयर कर दिया। ये था यहाँ का टूर हुमायूं टॉम्ब का, जो कि ईस्ट निज़ामुद्दीन में है। और तेरे को कोई एक्सपीरियंस, आवाज़ योर एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा लगा, मैं तो इतने साल से दिल्ली में रह रहा हूँ बट ये मैंने प्लेस देखा नहीं था, तो इन्जॉय किया मैंने। आप लोग भी और एक्सप्लोर करो, ये हमारे वर्ल्ड हेरिटेज में आता है तो हमें देखना ही चाहिए, और आप भी आओ देखो उसको। और एक और मेन चीज़, बाहर निकलते वक्त यहाँ से राइट साइड में वॉशरूम्स वगैरह हैं, है ना, ये ज़्यादा मेन है। वैसे इतने बड़े एरिया में जब तक घूमोगे थोड़ा बहुत तो जाना पड़ेगा। और यहाँ से बाहर जाते वक्त यहाँ लेफ्ट साइड में भी कुछ है, एक द्वार सा बना हुआ है। आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप आ सकते हैं, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। हाँ तो देखो जी, ये था हुमायूं टॉम्ब का व्लॉग। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर करना। वैसे इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, 1200 सब्सक्राइबर्स हैं, बाकी आपके ऊपर है। वीडियो अच्छी लगी हो, बाकी आप वीडियोस देख सकते हैं जाके चैनल पे, रोड फ्रीक पे लगी हो तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना, और बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। शेयर जरूरी है, हाँ शेयर ज़रूरी है। सो विद दैट सेड, दैट्स ऑल फॉर दिस टाइम। अभी जाते हैं बाहर, कुछ खाएंगे, बाकी घर जाएंगे। सो थैंक्स टू चंदन एंड ब्रिजेश साथ में आने के लिए मेरे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं कहाँ का होगा, वो मुझे भी नहीं पता अभी। सो टिल देन, स्टे हम्बल, वर्क हार्ड एंड बी काइंड, हैव अ गुड टाइम, गॉड ब्लेस, बाय बाय।